आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए 65% आरक्षण पर रोक के फैसले को बरकरार रखा है। इस पर BJP प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि हाईकोर्ट के जिस फैसले को चुनौती देते हुए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इस मामले पर फिर सितंबर में सुनवाई की जाएगी। प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सरकार अध्ययन कर रही है, आगे इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए और इस आरक्षण के तहत सामाजिक अधिकार जिसका बनता है उस पर काम किया जाएगा, इसको सरकार देख रही है। इस आरक्षण को कैसे प्राप्त किया जाए इस पर आगे सरकार काम करेगी। विपक्ष का कहना है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला जा रहा। इसको लेकर प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि आज तक विपक्ष ने दबे कुचले पिछड़े और कमजोरों को आरक्षण दिया नहीं, विपक्ष ने इन लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया। हमारी सरकार इन तमाम वर्गों का ख्याल रखती है। डबल इंजन की सरकार देश वाली सरकार है और विपक्ष के लोग सिर्फ बोलने वाले हैं। दरअसल बिहार सरकार ने जब आरक्षण की सीमा 65% बढ़ाई थी, तब इसे लेकर पटना हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें राज्य सरकार के इस फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए 20 जून को बिहार सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया। तब सरकार ने उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन यहाँ से भी बिहार सरकार को निराशा ही हाथ लगी। अब सरकार इस पर नए सिरे से सोचेगी। जैसा कि सरकार की सहयोगी पार्टी BJP के प्रवक्ता का कहना है कि आगे इस पर क्या हो सकता है, फिलहाल 65% आरक्षण का मामला बीच अधर में ही लटका रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।